ये लो ये तुम्हारा बैग और निकल जाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है यहाँ रहने की तुम्हें अभी। मैंने क्या, मुझे नहीं चाहिए अभी, खत्म, माफ कर, जाओ माफ कर, निकलो यहाँ से। मैंने क्या किया, अपने बच्चों को भी लेके निकलो यहाँ से, मुझे माफ कर दो, मैंने क्या किया। बैग पकड़ो, जो और सामान उठाना है उठाओ, जिस बच्चे को भी लेना है लो। मुझे पता है ये नाटक नहीं करो, जब खाना बनाने का टाइम आता है तुम्हारे यही नाटक होते हैं। हाँ ज्यादा जुबान नहीं चलाओ, कब से सीख लिया तुमने ये जुबान चलाना। आने दो मेरे बेटे को, एक एक बात की शिकायत, तुम्हारी शिकायत एक एक लगाऊंगी तुम्हें पता चले। बहुत ज्यादा सर पे चढ़ गई हूँ ये ना सर। धो देती हूँ मम्मी जी कपड़े, मैं धो देती हूँ, मैं खाना भी बना लेती हूँ, मैं कपड़े धो लूँ, कपड़े धो के खाना बना देती हूँ। अच्छा चले, मैं अभी जो है ना हाथ मुंह धो लूं, मैं थका हुआ आया हूँ बाहर से, तो आप जो है ना आप आराम करें। हाँ हाँ सही सही, अभी पता चलेगा इसे, सभी मुंह हाथ धोने गया ना, अभी मार भी पड़वाऊंगी और घर से भी निकलवाऊंगी कमीनी को। जी हाँ जी हाँ, आप मुंह हाथ धोने, कपड़े चेंज कर लें, बस एक सूट रह गया बच्चे का, धो के खाना बना देते। कपड़े मेरे धुल गए, तबीयत भी सही नहीं है, थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, बाद में देखूंगी, थोड़ी सी रोटी बना लूंगी। घर में कितने हो गए, नहीं तो हाँ जाके सो गई, कपड़े धो के और मैं खाली पानी पे गुजारा कर रही हूँ। मैं रोटी के इंतजार में सीधी सोनी होके बैठ गई कि रोटी देगी, और वहां मैं पूछती हूँ पानी पी लूं, बस आ रही हूँ तुम्हारे। नाटक करके आके सो गई, मैं अंदर बैठ बैठ कर आ गई, मेरा बच्चा अंदर मुंह धो के बैठा हुआ, कपड़े चेंज कर गए रोटी के इंतजार में, और तूने नाटक कर लिया, उठ जल्दी से खाना बना। उठ रही हूँ, नहीं दी रोटी उसने अभी तक, तो नहीं लेके आई क्यों? देखो बुखार वगैरह तो नहीं है, सारा दिन काम कर, रोटी भी घर के लिए नहीं, बुखार नहीं है अभी तक, उसको बोलो ना कहाँ है वो, ना मर गई अभी। जब भी मैंने तुम्हें कहा था ना कि घर का चैन सुकून बर्बाद करके रख दिया, अभी है कहाँ पे? तुमने तुम्हारी बीवी को तुमने अपने सिर पर चढ़ाया हुआ है, अभी कहाँ पे? घर से क्यों नहीं निकालते? अभी है कहाँ? बाहर सोई हुई है चरपाई पे, सारा दिन चरपाई तोड़ती है। इसको तो मैंने कहा था कि खाना बनाओ, ये बाहर ले दूंगी। ये यहाँ नाटक करके क्या आके लेट गई है, क्या हो गया? उड़ जा खाना बना के दे फटाफट, बना रही हूँ, उड़े बना, फटाफट जा बना रही हूँ। नाटक कहाँ से, नाटक करना सीख गई है। खाना तुम इधर रखो, नहीं ये इसको छोड़ो अभी, ये क्या नाटक कर रही हो, काम करो तुम ना, तुमने मेरे घर में ना कपड़े उठाओ और निकलो यहाँ से। क्या हो गया? किसी चीज की जरूरत नहीं है अभी मुझे तुम्हारी, क्या हो गया? निकल जाओ यहाँ से, तुमने मेरी माँ की जिंदगी, मेरी मेरे घर की जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई, निकलो यहाँ से तुम, दफाओ जाओ, जाओ निकलो यहाँ से। तुम अभी रुको, सफर करो अभी तुम, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, निकलो यहाँ से, सफर कर दो। इतनी बड़ी शहर में बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी, चले जाए।
अरे कोई नहीं है। ये ले अपना बैग पकड़, ये अम्मी ने बैग बना के रखा हुआ था पहले से ही तुम्हारा, अम्मी ने मुझे सब बताया था। तुमसे खाना मांगे तो तुम बीमार हो जाती हो, तुमसे घर के काम का कहे तो तुम मेरी माँ से ऊंचे अल्फाज में बात करती हो। तो कोई नहीं है, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, ये बैग पकड़ो अपने, जाओ यहाँ से निकलो। मैं कहाँ जाऊंगी, चल हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है। भैया कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, क्या मसला हल हुआ? निकाल दिया उस चुड़ैल को घर से? हाँ हाँ, मैंने निकाल दिया उस चुड़ैल को घर से, निकलवा दिया, जान छूट गई, जिंदगी आसाम में करे। अच्छा हुआ उसे निकाल दिया घर से, जब भी आती थी नाटक करके पड़ी रहती थी, ना कोई घर का काम, ना खाना, ना पकाना, ये ना वो, 24 घंटे नाटक। अच्छा हुआ ना चले गए घर से, जान छूट गई, अजाब था सर पे हमारे। अरे क्या हुआ हिना, रोती हुई क्यों आ रही हो, क्या हुआ? निकाल दिया मुझे। इस बात की सजा इस बेचारी को मिली। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? ओ भाई साथी हैं, साथी हैं, देख लो साथी हैं। यही माँ बड़ी, यही बहन बड़ी, यही सब कुछ बनी थी। ये एक छोटा सा खाका था, अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी बहन बेटी, हमारी बहन बेटी के साथ भी कल को वो हो सकता है। हाँ जी। तो ये एक छोटा सा मैसेज था, समझ लें कि एक जैसे कि हमने आपको दिखाया है ये। और अल्लाह ताला को सबसे नापसंदीदा शख्स और नापसंदीदा चीज जो अल्लाह ताला की नजर में है वो होती है जी तलाक। तो इस चीज को बंद किया जाए। हाँ जी। और प्यार और मोहब्बत और खुलूस बांटा जाए ताकि अमन और सुकून की जिंदगी हो। तो मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्लीज याद रखिएगा, कमिट मत कीजिएगा, क्योंकि ये छोटा सा खाका था, ये पैगाम था आप लोगों के लिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह, बाकी हम ठीक हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद।